जय हिंद दोस्तों, फिर एक तीसरा और न्यू वीडियो आप लोगों के बीच में, रेसरदन सिंह 4628। तो दोस्तों, अब जो तीसरी वीडियो है आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर कर देगी, जो बचा खुचा जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगा। इसमें जो रनिंग होती है, रनिंग के ऊपर वीडियो है, जो 1600 मीटर जो रनिंग होती है वो होती है, अधिकतर रोड पर रनिंग होती है, वैसे टेढ़ी मेढ़ी मतलब जगह होती है उनकी, आगे आगे बुलेट चलती है और जो फौजी भाई है वो बुलेट पे बैठ के और पीछे बेच चलता रहता है। तो इसमें दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप जो 5:30 के अंदर आएगा उसको 60 नंबर मिलते हैं, जो 5:30 मिनट के अंडर आएगा उसको 60 में से 60 नंबर मिलते हैं, यानी कि फर्स्ट मोर जिनको एक्सीलेंट बोलते हैं। और जो सेकेंड मोर है वो 5:30 से 5:45 के बीच में, उनको 40 नंबर मिलते हैं। जबकि मैं ये चीज़ कन्फर्म बता दूँ कि मैं खुद 2 बार TA की दौड़ पास हूँ, एक्सीलेंट हूँ मैं खुद 2 बार। तो 5:30 का विश्वास ना करें, इस नोटिफिकेशन में तो ऐसे दिया होता है, लेकिन आपको कम से कम TA की भर्ती में 4:50 टाइम आना चाहिए, और भी देखा जाए तो 4:50 से डाउन आपका टाइम होना चाहिए। इस तरीके से हो गए दौड़ की कन्फर्म। अब चलते हैं दौड़ के बाद के अंदर भीम, जो पुशअप होते हैं ना, जो भीम होते हैं, जो भीम, अगर आप 6 भीम पे तो आप क्वालिफाई होंगे, मतलब 6 भीम पे तो आप लोगों को पास कर दिया जाएगा, मतलब उसके नंबर नहीं में आप क्वालिफाई होंगे, उससे तो केवल पास होंगे आप। अगर आपको अगर आप 6 भीम लगाते हैं तो क्वालिफाई होंगे, अगर आप 7 भीम लगाते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे, अगर आप 8 भीम लगाते हो तो आपको 27 नंबर मिलेंगे, अगर 9 लगाते हो तो 33 नंबर मिलेंगे, अगर पूरी 10 में से 10 भीम लगाते हो आप तो आपको पूरे 40 नंबर मिलेंगे। उधर ग्राउंड के हो गए 60 नंबर, इधर भीम के हो गए 40, हो गए 100 नंबर का फिजिकल, ये तो हो गया आपका फिजिकल। तो भीम की भी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप मारे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज ऐसी करें ताकि हाथ को और शोल्डर है इनको मतलब जोर आए, तब आपको अच्छी तरीके से आप भीम लगा सकोगे। और अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करो 1600 मीटर रनिंग की और प्लस भीम की। और इसके बाद के अंदर मैं बता दूं कि इसमें जो GD होती है उसमें 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें 45% अंक भी होना बहुत ज़रूरी है, और 45% तो है ही, लेकिन हर सब्जेक्ट में 33% अंक भी अनिवार्य है, 33% अंक भी अनिवार्य है। उसके बाद में चलते हैं ट्रेडमैन में हम 8वीं 10वीं और 12वीं तीनों मार्कशीट से देख सकते हैं, लेकिन रोल उसमें भी वही 33% वही। इसके बाद में चलते हैं हम क्लर्क में 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है, 12वीं पास के बिना हम क्लर्क की भर्ती नहीं देख सकते, 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है, और 50 मतलब हर विषय में 50 नंबर से अधिक नंबर होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी हो गई कन्फर्म। और अगली जो चीज़ है TA में, कि जो आप वहाँ भर्ती देखने जाते हो तो कम से कम आप पूरी तरह बॉडी को रिलैक्स करें, जिस दिन आपकी भर्ती हो उससे एक दिन पहले वहाँ पहुँचे, अच्छी नींद में सोए, मतलब शरीर पूरी तरह से बॉडी रिलैक्स हो जाए, उसके बाद आप ट्रैक पे जाए। ट्रैक पे जाने से पहले जब आपका ग्रुप बनता है, आपको रनिंग कराने से पहले जवान जो नारे लगते हैं वहाँ पे, जो मतलब युवाओं में जो जोश उत्पन्न किया जाता है, उससे पहले आप देखें कि आपके पीछे से कोई कॉलर तो नहीं पकड़ रखा। बहुत सारे बंदे होते हैं जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं कि मैं दौड़ पास कर लूँ, मैं कर लूँ, जबकि वहाँ दौड़ पास वही बंदा करेगा जो ग्राउंड में दिन रात मेहनत करके, खून पसीना एक करके, प्रैक्टिस कर, बार बार निरंतर गिर कर पड़ कर उठ कर जो बार बार प्रयत्न प्रयास किया है, वो बंदा वहाँ पे एक्सीलेंट नहीं सुपर एक्सीलेंट मारेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप 100% वहाँ पे एक्सीलेंट नहीं सुपर एक्सीलेंट मारोगे, 100 में से 100 नंबर आपके ग्राउंड के वहाँ मिलेंगे, 40 नंबर भीम के मिलेंगे, तो कुल मिलाकर आपके 100 नंबर वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। 100 नंबर कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपको फिर भीम के बारे में मैंने बता दिया कि 10 भीम लगाओगे तो 40 नंबर मिलेंगे, 9 के 33, वैसे मतलब आपको कुल मिलाकर 10 भीम पूरी करनी है, के लिए 10 भीम आप लगा दोगे तो 40 नंबर आपको पूरे कन्फर्म वहाँ मिल जाएंगे,
60 ग्राउंड के फिजिकल के, 1600 मीटर जो रनिंग के, और 10 बीम के 40 नंबर, यानी कि 100 नंबर का आपका पूरा फिजिकल हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपकी फिजिकल की। चौथा वीडियो में लेके आऊँगा आपके मेडिकल के बारे में, मेडिकल में कौन कौन से पार्ट्स चेक होते हैं, क्या क्या चेक होते हैं, कौन कौन से रेफर लगते हैं, किस वजह से वो लगते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।